गाइस माय नेम इज वेमो, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम देखने वाले क्रीडी पीपल ऑन नेक्स्ट लेवल। एक मार्कर है एंड उस मार्कर की मदद से हम एक स्पून के ऊपर लिख सकते हैं। व्हाट आई मीन, ये किस टाइप का मार्कर है जिसका लिखा हुआ पानी पर तैरता है? वाओ, ऐसे करके हम खुद का भी नाम लिखकर ऐसे तैरा सकते हैं पानी के ऊपर। तो हमारा नाम पानी के ऊपर तैराने के लिए हमको बस इस मार्कर की मदद से एक स्पून के ऊपर हमारा नाम लिखना है एंड देन वो नाम पानी के ऊपर तैर जाएगा। वैभव, जस्ट लाइक वैभव गेमिंग, जस्ट लाइक यू। एक पत्ता गोभी है, ओके, एंड ये एक स्टिकर है। ओ, ये इसका सर बन गया। आई मीन वो स्टिकर लगा रहे, ये एक मेल बॉक्स है। वो दिस इज सो क्रिएटिव। एंड ये क्या है, एक घोस बन गया एंड ये घोस को मार रहे। ओ, एक लड़की साइकिल चला रही है, उसके पीछे एक डायनासोर पड़ा हुआ है। सो दिस इज द स्मार्टेस्ट वे टू यूज स्टिकर्स इन अ राइट वे। आई मीन हमको स्टिकर्स भी वहाँ पर लगाने हैं एंड एक क्रिएटिव तरीका भी हो रहा है। आई मीन वो दिखने में और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है अगर हम इस तरीके से स्टिकर्स का यूज करेंगे। तो मुझे सबसे प्यारा ये वाला लगा, इस लड़की के पीछे एक डायनासोर पड़ा हुआ है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर एक स्पॉन्ज है जिससे हम बर्तन वगैरह धोते हैं, उसको हमको बस रबर लगाने हैं। ओके, ये कान बन गए, ये पैर बन गए। ओ, एक डॉल बन गई, छोटा सा टेडी। आई मीन लिटरली बर्तन धोने वाली चीज से इन लोगों ने एक छोटी सी डॉल बना दी एंड ये डॉल हम किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो अगर आपको एक सस्ता सुंदर टिकाऊ गिफ्ट चाहिए तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं, आपको बस किचन के अंदर जाना है, वहां का वो स्क्रब उठाना है, उसको दो तीन रबर बैंड्स लगाने हैं, देन हो गया आपका प्यारा सा छोटा सा डॉल गिफ्ट। वो एक रोटी है, आई मीन आटे वाली, उसके अंदर थोड़े से होल्स कर दिए और ये नटेला है। ओ, आई थिंक ये रियल नहीं है, ये स्लाइम की तरह दिख रहा है मुझे। ये पक भी गया एंड सडनली ओ इट्स अ स्लाइम। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल एट द फर्स्ट प्लेस? ये किस एंगल से स्लाइम लग रहा है? आई मीन ये इतना ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है कि इसको देखकर कोई भी बोलेगा कि यार ये तो खाने की चीज़ है। आई मीन नटेला भी कितना रियल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी मैं उसको चम्मच से उठाकर खा सकता हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, वो बस एक स्लाइम है एंड इसको इन लोगों ने लिटरली पका भी दिया है। आई मीन जो पकने के बाद एक कलर आता है ना, ब्राउन कलर, वो भी यहाँ पर आ चुका है एंड ऊपर से थोड़ी सी शक्कर मिट्टी, आई मीन वो जो डालते हैं वो डाल दिया है। सो एकदम ये ऐसा लग रहा है कि ये खाने की चीज़ है, इसको हम अभी खा सकते हैं। सो अगली बार से अगर आपको कोई ऐसा खाना दिख गया जिसके ऊपर आपको शक हो तो सबसे पहले उसको टेस्ट कर लो कि वो स्लाइम तो नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है। यहाँ पर एक ब्रेड है जिसके ऊपर आई गेस से बटर लगा रहा है। Whoa. Oh, एक कार्टून कैरेक्टर बन गया, दिस इज सो क्यूट। एंड एक नाम भी लिख दिया, ये कैट है कि एक पिग है? आई मीन नाक से तो ऐसा लग रहा है कि एक पिग है, बट आई डोंट नो। ये पेपर के ऊपर कुछ तो बना रहा है, एक पेंटिंग ड्राइंग। ओ, एक पत्ता लग रहा है मुझे। ओ, वो होता है ना वो पतझड़ के मौसम में वाला पत्ता, वही वाला पत्ता है। एंड ये उसको बना दिए है, पता नहीं इससे क्या होगा। ओह, उसका एक स्टिकर बनाया था। वो ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है, दो स्टिकर्स बना दिए, एक सावन वाला एंड दूसरा पतझड़ वाला। ओके, एंड उसके ऊपर आई गेस कुछ डाल दिया है, स्लाइम नहीं वो दूसरा मटेरियल होता है वो। वो उसके वो लेयर्स बना रहे हैं एंड कितनी फाइन एडिटिंग है, आई मीन टचिंग है। तो ऐसी चीज़ें ना मैंने टेबल्स के ऊपर देखी है, आई मीन जो हमारे टेबल होते हैं ना, डाइनिंग टेबल्स वगैरह जिसके ऊपर लोग बैठकर खाना खाते हैं, वो टेबल्स के ऊपर मैंने ऐसे बहुत सारी जगहों पर देखा है कि उसके अंदर डिजाइंस होते हैं। सो ये उसी टाइप की कोई आर्ट है मेरे हिसाब से। ये एक इमोजी है आई गेस चम्मच के अंदर। ओ, वो कॉफी के ऊपर बनाते हैं ना फेस, वो वाली, एंड वो ये इमोजी ऐसी है आई थिंक। तो नॉर्मली मैंने कॉफी के अंदर वो हर्ट वाला शेप देखा है जो कि नॉर्मली होता है हर एक कॉफी के अंदर, उसको दालगुना कॉफी बोलते हैं आई थिंक, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। वन लाइक फॉर दैट इमोजी। यहाँ पर एक अंडा है, उसका बीच वाला पार्ट योक, एक का येलो पार्ट। ओके, उसको एक टिश्यू पेपर के ऊपर डाला है आई थिंक। ओके, एंड टिश्यू पेपर के ऊपर फिर पानी डाल दिया। वो वहाँ पर एक औरत बन गई जिसका बच्चा होने वाला, आई मीन वो प्रेग्नेंट है, वो बेबी बम। दिस इज सो कूल एंड क्रिएटिव मैन, बिकॉज एक अंडे का योग था वो पेड़ बन गया, आई मीन जो पेट में बच्चा होता है उस टाइप का, एंड ये औरत अपने बच्चों को ऐसे पकड़ रही है, ऐसा वहां पर दिखाया गया है। सो दिस इज द बेस्ट आर्ट आई हैव एवर सीन, वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट आर्ट आई हैव एवर सीन। एक कैनवास है, देर आर सम टेप्स एंड आई गेस कोई पेंटिंग बना रहा है। ये चिड़िया लग रही है मुझे, चिड़िया का आउटलेट लगा दिया है एंड दो तीन कलर्स लगा दिए, धब्बे वो उसके कलर के बाबर लगा दिए एंड एक ब्रश की मदद से। नो वे, बस ब्रश की मदद से ये चिड़िया बना सकता है ये बंदा? ओ यस, देखो बन गई एक चिड़िया लिटरली। ओ माय गॉड, दिस इज सो कूल। ये डाली बन गई पेड़ की, जिसमें जिस पर वो बैठी है, ये उसके पैर बन गए एंड पोर्ट्रेट बन गया घर के अंदर रखने के लिए।
दिस इज हाउ इजी इट इज. आई मीन ये इतना इजी है एक कैनवास के ऊपर चिड़िया को ड्रॉ करना. उसने बस चिड़िया का एक आउटलेट बना दिया, देन बहुत सारे कलर्स लिए, उसके दबे वहां पर लग दिए एंड ब्रश की मदद से बस उसको इधर उधर फैला दिया. देन सडनली चिड़िया बन गई. आई मीन चिड़िया का एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया. देन वो जो हमने कैनवास वहां पर लगाया था वो हटा दिया. आई मीन जो टेप लगाया था वो हटा दिया एंड देन उसकी आग बन गई, एक डाली बन गई, देन उसके पैर बन गए एंड सडनली चिड़िया तैयार, पोर्ट्रेट तैयार हो गया. लेकिन ये चीज दिखने में आसान लगती है बट एक्चुअल में इट्स वेरी वेरी मुश्किल. हाउ टू मेक अ गुलाब का फूल. तो यहाँ पर बहुत सारी पंखुड़ियाँ है गुलाब की एंड ये उसको कट कर रहा है एक स्पेसिफिक शेप में. देन टेप लिया एंड उसको अभी एक वायर के ऊपर आगे से चिपका रहा है. ओके, आई मीन भाई ये हाथ से गुलाब बना रहा है. आई मीन नेचुरली बनता है वो तो अलग बात, लेकिन ये इसने हाथ से बना लिया. What is happening here? एक फूल है. ये किस टाइप का फूल है, कौन सा फूल है पता नहीं. ये उसको हथौड़े से मार रहा है भाई. Why? I guess उसका छाप उठाने के लिए उस वाइट पेपर के ऊपर. देन और एक फूल लिया, उसको भी ये हथौड़े से मार रहा है. ओके okay, तो ये आई गेस उससे छाप बना रहा है. I mean, उसका जो छाप को मारा, हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, लेकिन ये वही बना रहा है. एंड ये कितना परफेक्ट बन रहा है. I mean, जैसा फूल है वैसे वहाँ पर हो रहा है एंड ये उसकी पत्तियाँ बन जाएंगी. वाओ, ऐसा लग रहा है ये कोई पेंटिंग है बट ऐसा है नहीं. ये लिटरली फूलों से बनाया गया पेंट है या एक ड्राइंग है. एंड अगर आपको आपके दोस्त की पेंटिंग बनानी है देन इट्स अ वेरी वेरी इजी प्रोसेस. हमको बस एक बड़ी दीवार चाहिए और ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का एक पेपर प्लास्टिक का एंड देन हथौड़ा. देन हमको शुरू होना है इजी. यहाँ पर एक ऑरेंज है एंड ये बंदा उसको चाकू से कट कर रहा है. ओके बट व्हाई. वो एक स्क्विरल जैसा फेस बन गया. दिस इज सो क्यूट. तो बस एक ऑरेंज की मदद से हम एक स्क्विरल का या मिकी माउस का फेस बना सकते हैं. हमको बस उसके लिए ऑरेंज के बीच में कट लगाना है, देन साइड में दो कट्स लगाने हैं, दो आंखें बन जाएगी एंड दो कान बन जाएंगे. इजी. वो ये रेनबो का बबल्स बना रहा है. आई मीन इतना बड़ा बबल, सांप वाला. What? तो ये चीज़ हम इस तरीके से बना सकते हैं. इसके लिए हमको थोड़ा सा साबुन चाहिए, उसको पानी के अंदर घोलना है, देन बॉटल को कट कर एक टिश्यू पेपर, उसको रबर से बांधना है, देन उसके अंदर कलर्स डालने हैं. इजी. एंड अगर आपको उसके अंदर कलर्स चाहिए तो हमको बस टिश्यू पेपर के ऊपर थोड़े से कलर्स डालने हैं, देन कलरफुल सा बन जाएगा. अपना हाथ है, आई मीन हाथ का एक छाप बना रहा है. ओके, पिगी बैंक नहीं, पैर बन गई है. ओ हाथी, वाओ. अपने हाथ की मदद से हम एक हाथी बना सकते हैं, वो भी पानी पीता हुआ. आई मीन पानी ऊपर छोड़ता हुआ अपनी सूंड से. कितना सिंपल है यार. ट्री बार्क नेल्स, वाओ. ट्री का जो वो होता है ना स्किन, उससे ये लोग नेल्स बना रहे. व्हाट द हैक भाई साहब. लिटरली इसने ट्री का एक नेल बना दिया. माय प्रोग्रेस ओवर द इयर्स एज 8. ओके, आई गेस ये स्टार ट्रेक का कैरेक्टर है. ओके, उसी का कैरेक्टर है. एज 9. Wow, age 14. भाई साहब कितना रियलिस्टिक लग रहा है. Age 15, ये स्कल है. Age 16, ये NBA का एक प्लेयर है आई गेस. Age 19, wow. यहाँ पर भी एक पेंटिंग ड्रॉ हो रही है. ओके, बट किस टाइप की है. विथ एक्स्ट्रा सैचुरेटेड कलर, रेड कलर. आई डोंट नो व्हाट इज दिस. ओ ये स्क्विड गेम का कैरेक्टर है आई थिंक. ओ माई गॉड, इसने मोबाइल के ऊपर पानी डाला है. व्हाई. एक फोटो क्लिक करने के लिए. ओके, देन एक बदक लिया. ओ ये मोबाइल के ऊपर खड़ा है ऐसा लगेगा. आई मीन उसके ऊपर बैठा है. वाओ, दिस इज फोटोशॉप, फोटो एडिटिंग. ओके, उसने उसके एजेस हटा दिए. सीरियसली ये कितना रियल लग रहा है. सीरियसली उसके मोबाइल स्क्रीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि वहां पर कोई बदक बैठा है, मोबाइल के अंदर बदक बैठा है भाई, वो पानी में नहा रहा है. यहाँ पर एक एप्पल है. वाओ, व्हाट इज हैपनिंग. ओह, क्या हो रहा है ये. आई गेस वो उसको गर्म कर रहे हैं. ओ माई गॉड भैया, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है. ओ माई गॉड, आई मीन अगर हम फ्रूट्स को ऐसे पिघलाएंगे या गर्म करेंगे तो वो ऐसा होता है. ओ ये अंदर बहुत सारे फ्रूट्स डाल दिए. और गाइस आज के लिए बस इतना ही था. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इनमें से सबसे क्रिएटिव चीज़ कौन सी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिल्स इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइस.